दोस्तों वीडियो पूरी देखना ताकि सारी वीडियो आपके समझ आ जाए। हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आजकल लेबर मिलती नहीं, इसलिए गेहूं है वो कंबाइन से कटवा लेते हैं और बाद में मशीन से तुड़ी बनवा लेते हैं। परंतु पशुओं में बहुत ज़्यादा बीमारी आ रही है आजकल है, क्योंकि जो तुड़ी है वो अच्छी नहीं होती। कंबाइन जो फूस निकालती है पीस कर है, उसी को पीस कर फिर मशीन वाली तुड़ी है वो हम पशुओं को डालते हैं। देखिए जैसी ये धान की पराली है वो मशीन है, इसको भी अंदर ही ले लेती है। कोई सांप है, मेंढक है, या फिर दवाई के जो पैकेट है, खाली पॉलीथीन है, वो भी साथ है लपेट लेती है, तो इसलिए वो तुड़ी अच्छी नहीं रहती। हाथ से काटने के लिए लेबर नहीं है। आजकल बीज भी ऐसे है कि गेहूं एकदम आ जाती है। पहले के बीज ऐसे होते थे कि कटाई है वो लंबी चलती थी। इसलिए अब ये देखिए गेहूं कटाई का एक तरीका बताता हूँ मैं आपको। मात्र 1300 रुपये में एक किले की कटाई कर देती है ये। ये देखिए कितनी अच्छी कटाई कर रखी है, आपको चलती हुई भी दिखाऊंगा मैं वो। और देखिए बिल्कुल नीचे से, ये देखिए बिल्कुल नीचे से काटती है ये, तुड़ी पूरी बनेगी। तो दोस्तों और किसान साथियों, देखिए इस तरह ये मशीन है जो रिपर है ट्रैक्टर के साथ चलने वाला, ये एक या डेढ़ घंटे के अंदर है पूरे एक एकड़ की कटाई कर देता है। उसके बाद आप थ्रेसर से निकलवाएंगे तो एक नंबर की यानी कि सबसे बढ़िया तुड़ी वो ही मानी जाती है। पशु भी बीमार कम होंगे। अब तो डॉक्टर भी मानते हैं कि पशुओं में ज़्यादा बीमारी आ रही है वो कंबाइन के पीछे जो कचरा निकलता है उसको हम कटवाते हैं, उसकी जब तुड़ी बनवाते हैं उसके अंदर मरे हुए जीव जंतु सांप मेंढक वो सब आ जाते हैं।
उसके कारण ज़्यादा पशुओं में ये बंद पड़ने की शिकायतें आ रही है। इसलिए अपने पशुओं के लिए आप यदि बढ़िया तुड़ी बनवाना चाहते हैं तो इस तरह रिपर से कटवाइए या हाथों से काटिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर ज़रूरतमंद किसान साथी तक ये वीडियो पहुंच सके।